भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को वाराणसी में सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सपा कोई पार्टी नहीं बल्कि एक ट्रस्ट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को वाराणसी में सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कोई पार्टी नहीं बल्कि सपा एक ट्रस्ट है। उनका उद्देश्य पैसा कमाना है और राजनीति से लूटना है। राजनीति उनके लिए एक व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति एक मिशन है और हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। हमारी पार्टी के किसी भी बड़े नेता का मकान दिल्ली में नहीं है। यह लोग तो 100-100 और 200-200 करोड़ रुपए के मकान में रहने वाले लोग हैं और राज्य को लूटकर खुद की संपत्ति बनाते हैं। यह लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं और सरकार में आते हैं तो लूटपाट, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जातिवाद करते हैं। इसी के आधार पर उनकी पार्टी चलती है। सपा पार्टी है क्या? एक ट्रस्ट है। जो ट्रस्ट चलाते हैं, मान लो पैसा कमाना है, लूटना है राजनीति से, राजनीति उनका व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीति मिशन है। हमारे गौरवशाली इतिहास से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, दिल्ली में एक भी मकान नहीं होगा। ये लोग 100-100, 200-200 करोड़ के मकानों में रहने वाले लोग और राज्य को लूटते हैं, राज्य को लूट कर प्रॉपर्टी बनाते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं। जब सत्ता आती तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इसी के आधार पर उनकी पार्टी चलती है। और बीजेपी राष्ट्रवाद और गरीबों का विकास, हम सरकार बनाते हैं तो पक्का मकान देते हैं, आयुष्मान का कार्ड देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, शौचालय देते हैं, बीमा करते हैं और जन्म से लेकर बेटी की चिंता करते हैं, शादी तक उसकी पूरी चिंता करते हैं।